सबसे पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियोस देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सबसे गलत बात है। बायोक्लीन सेप्टिक टैंक क्लीनर पेश कर रहा हूँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर जो है सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगा, प्रोडक्ट्स की जानकारी सब कुछ मैंने पहले ही की वीडियो में बनाई हुई है। जब मैंने परचेस किया था इस प्रोडक्ट को, मैंने ऑनलाइन लिया था, तभी मैंने सब कुछ इस बारे में बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा। और जो लोग ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं उनका स्वागत है, और उन्हीं लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको इसके बारे में और जानना है। तो मैंने एक महीना इसको यूज़ किया है दोस्तों, तो मेरा 2500 लीटर का टैंक है, तो जिसमें मैंने 2 पैकेट डाला है, और 2 पैकेट डालने के बाद आज 1 महीने के बाद जो है ये फिर ओवरफ्लो करने लगा है। तो ओवरफ्लो करने लगा है मतलब आपको जो है ये मतलब हर महीने डालते रहना पड़ता है, क्योंकि जब टैंक भर जाता है और जब फुल हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, हर एक महीने इसको डालना पड़ता है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या ये जो अंदर का मटेरियल्स है उसको जो है ये पानी बनाता है या लिक्विड बनाकर क्या ये रिलीज़ कर देता है क्या आउटलाइन की तरफ। तो हाँ, ये ऐसा होता है, ये अंदर जो है ये सामान जो है काफ़ी हद तक ये जो है लिक्विड करके और ओवरफ्लो होने नहीं देता, क्योंकि आउटलाइन की तरफ ये पास कर देता है, और ये बदबू बिल्कुल मिटा देता है, बदबू बिल्कुल नहीं आती है। और जो है ये इसका वैसे ये बहुत अच्छा है, 1 महीने यूज़ करने के बाद मेरे को मालूम पड़ेगा अच्छा है, मगर मुझे मालूम पड़ गया है कि इसको हर महीने यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा 2500 लीटर का टैंक है, तो मैंने जो है इसको सिर्फ 2 पैकेट डाला था, 5000 लीटर में 4 पैकेट ऐसा ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो 2500 में 2 पैकेट डाला, अभी 1 पैकेट डालूंगा, पहले महीने में 2 पैकेट डाला, अभी दूसरे महीने में 1 पैकेट, और फिर अगले महीने से हर एक महीने में एक 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 पैकेट में डालता रहूँगा। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये कुछ आटा का तरफ का है, मतलब आटा के जैसा है देखने में, आटा मैदा ऐसे है देखने में। तो इसको क्या करना है हमको, कुछ ऐसे मतलब नीचे उतार लो और उसके बाद इसको कट कर लो। कट करने के बाद मैं इसको पूरी मिक्सचर कैसे बनाते हैं इसको मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देता हूँ, यूट्यूब में कोई नहीं देता ये सब, पता नहीं लोग बनाने में शर्म करते हैं क्या करते हैं, इतने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। कितना सारे लोग, 1000 के ऊपर मेरा उस वीडियो में व्यूज़ हो गया है, मतलब 1000 लोगों को इस प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे हैं। अच्छा दोस्तों ये देखो आप, ये एक ड्यूलक्स का डब्बा है जो कि नेट क्वांटिटी 1 लीटर है, ये 1 लीटर का जो है डब्बा है, ये इससे मैं 2 लीटर पानी डालूंगा, आप इस बाल्टी में देख लो, 1 लीटर हो गया और 2 लीटर, मैं 2 लीटर का एक पैकेट का मिक्सचर बनाऊंगा, आप देख सकते हो। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, और इससे बदबू नहीं होती है दोस्तों, और अगर आपको कुछ पूछना है मैं कमेंट में बता दूंगा। 1 महीने में बस मालूम इतना ही पड़ा है कि इससे बदबू नहीं होता है, ओवरफ्लो बैकफ्लो जो वापस जो पानी आ जाता है वापस, तो वो नहीं आता, यानी कि 1 महीने तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी तरफ, हर 1 महीने में आपको डालते रहना पड़ता है। ये 1 पैकेट में पूरा डाल रहा हूँ, इसमें आप देखो पूरा 1 पैकेट में इसको डाल दिया 2 लीटर पानी में। उसके बाद अपन इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, मिक्स नहीं करेंगे तो ये जो पानी में जो है नीचे में जो है बैठा हुआ रहता है, ऐसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारी चीज़ों में अब ये प्रॉब्लम मिलते हैं आपको, जैसे कि पानी में अगर आप चीनी घोलते हैं तो फिर आपको अच्छे से घोलना पड़ता है, वरना ये चीनी नीचे में बैठा हुआ होता है। सेम इसी का टेक्निक इसमें भी आपको यूज़ करना है, अच्छे से इसको जो है साफ एक लकड़ी से या कोई भी चीज़ से आप इसको अच्छे से घोट लीजिए। इसकी स्मेल मैं बताऊँ आपको, एकदम केमिकल वाली है स्मेल, इतनी हार्ड भी नहीं है, मगर ये जो है काफ़ी हद तक मतलब आपका सर शायद दुख सकता है, या फिर आप मास्क वगैरह कुछ पहन के कर सकते हैं, थोड़ा सा तो स्मेल है इसमें, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही स्मेल है। बाकी इसको फ्लश करने के बाद बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने जो है कोई मेडिसिन डाला हुआ है अपने टैंक में, सेप्टिक टैंक में, या फिर आपका जो है टॉयलेट का जो बाउल है उसमें से कोई ऐसा बदबू नहीं आता है, और ना ही कोई बैड स्मेल आता है, ना ही केमिकल का कोई स्मेल आता है। तो ये एक अच्छा ही बेनिफिट है, और काफ़ी हद तक अच्छा है ये प्रोडक्ट, मैं खुद ही इस्तेमाल किया तो मुझे इतनी सारी जानकारी मिली है इसके बारे में। तो आगे चलकर ये जो आपको अच्छे से स्टीर कर लेना है, अच्छे से इसको जो है घोट लेना है, काफ़ी 5, 6, 7, 8 मिनट तक आप इसको घोट सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको जो है आपको डाल देना है, ये जो टॉयलेट का सीट है उसका जो बाउल है उस पर डाल देना है। उसके बाद आपको पूरा डालने के बाद फ्लश कर दीजिए इसको, बस आपको यही करना है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो मतलब आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको मालूम पड़ गया कि क्या क्या मैंने इस वीडियो में बताया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेडिसिन रिलेटेड जानकारी और भी ऐसे बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी आपसे ना छूटे। थैंक यू।